दोस्तों, मुझे पता है कि आपको पता है कि ऊना में किस प्रकार से दलितों को पीटा गया। मुझे पता है कि आपको ये भी पता है कि रोहित वेमुला एक एससी था और उसने फांसी खाई सवर्णों के कारण। मुझे पता है कि आपको ये भी पता है कि भावनगर में एक दलित को एक घोड़ा रखने की वजह से जान से मार दिया गया। मुझे पता है कि आपको ये भी पता है कि गुजरात में दलितों को मूछ रखने पर उनको प्रताड़ित किया गया और उनकी मूछें भी काट दी गई। लेकिन इन चारों घटनाओं के पीछे जो आपको नहीं पता है वो मुझे पता है, तो आज हम जानेंगे यही सब बातें। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, गुजरात की घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये बात सिद्ध करने का बहुत हद तक प्रयास किया है कि दलितों पर अत्याचार होता है और वो अत्याचार करने वाले कौन होते हैं, सवर्ण समाज के लोग। और इसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा तूल दी और लोगों में इस तरीके का भय व्याप्त कर दिया कि जो दलित है भारतवर्ष में वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। वो किसी भी प्रकार की लग्जरी, चाहे वो मूछ रखना बहुत बड़ी लग्जरी है और चाहे वो घोड़ा रखना। अब मुझे नहीं पता कि ये मूछ और ये घोड़ा रखना अपने आप में कहां से इतनी बड़ी लग्जरी हो गई है। खैर, अब बात करेंगे सबसे पहले हम रोहित वेमुला के। सबसे पुरानी घटना वही है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एससी समाज के ठेकेदारों ने, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, वो बहुत बड़े मेरी भाषा में बोले तो सिक्का सलार समझते हैं, उन्होंने उसको अपना बाप बना लिया। जबकि तेलंगाना की पुलिस की ये रिपोर्ट है, वहाँ की सरकार की रिपोर्ट है कि वो एससी नहीं था, वो ओबीसी था। उसने जानबूझकर एससी का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ था ताकि उसको फीस में छूट मिल सके। ऐसा व्यक्ति जो एससीज का कोटा खा रहा था, जो एससीज के हक को मार रहा था, वैसे व्यक्ति को एससीज के लीडरों ने अपना बाप बना लिया। और ये मुद्दा जब सामने आया तो एक लोकल, तेलंगाना के एक लोकल साक्षी न्यूज़ करके एक चैनल है, उसकी एक छोटी सी क्लिप बन के रह गया। लेकिन यहाँ जितने भी आपके मनपसंद चैनल, चाहे उसमें अंजना ओम कश्यप आज तक हो, चाहे आपके खवीश कुमार जी हों एनडीटीवी वाले, या ब्ला ब्ला बहुत सारे रिपोर्टर हैं, आप सब लोग उनके नाम जानते हैं। इन लोगों ने जितना रूमर फैलाया था और जब ये सच्चाई आई तो आप लोगों के सामने नहीं रखी गई। देश हित के लिए ऐसे चैनल्स और ऐसे लोगों को वाकई में आग और जेल के हवाले कर देना चाहिए। अगली बात पर चलते हैं, ऊना। ऊना में दलितों को बताया जा रहा है कि गाय की खाल रखने के लिए लोगों ने उनको बहुत पीटा। उसको मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए। भावनाएं बहुत अधिक भड़क जाती हैं, व्यक्ति का हाथ छूट जाता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बात गलत है। लेकिन क्या ये सही है जो आप देख रहे हैं वीडियो में? क्या ये सही है? क्या ये जो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है दुकान किए हुए, जब इसकी दुकान तोड़ी जा रही है, इसको मारा जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है और इसको मारने की धमकी भी दी जा रही है, तो क्या ये सही है? क्या इसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने रोड पर दलितों को पीटा था? नहीं पीटा था। ये अन्याय है, इसमें भी कोई न्याय नहीं झलक रहा है। दूसरा विषय हुआ। तीसरे विषय पर आते हैं कि दलितों को मूछ रखने के लिए मारा गया, पीटा गया और उनकी मूछें काट दी गई। तो मैं आपको बताऊं, इलेक्शन से पहले उन्होंने खुद ने एक दूसरे की मूछ काटी थी। और ये न्यूज़ भी इसी तोड़फोड़, ऊना की तोड़फोड़ की जैसी न्यूज़ की तरह ही गुजरात के एक लोकल छोटे से चैनल की छोटी सी क्लिप बन के रह गई थी कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की मूछ काटी और वहाँ की जो गुजरात सरकार थी उसको बदनाम करने का कार्य किया। अब चलते हैं चौथी खबर के ऊपर, जो आई थी और जिसने आती सनसनी मचा दी थी और प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, और वैश्विक पटल पर भी, जिसमें हमारी छवि जो है वो बहुत खराब हुई थी, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय खबर थी, तो इसलिए वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कोई खबर यदि गुजरात से आएगी तो उनको ज़्यादा छवि पर नुकसान पड़ेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, यहाँ से कोई खबर भी मायने नहीं रखेगी। तो ये जो खबर थी कि किसी लड़के को भावनगर में घोड़ी रखने के लिए मार दिया गया, तो उसकी रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। और वाकई में
आज मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो आज आप अपने घर के टीवी में जितने भी बिकाऊ चैनल हैं, जितने भी दोयम दर्जे के रिपोर्टर्स हैं, उनसे संबंधित जितने भी चैनल सबको ब्लॉक कर देंगे। जो लड़का था, हमारे अक्सर लोग व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करते हैं कि यदि कोई स्त्री के ऊपर हाथ डाले तो काटते नहीं उसकी उंगली, काटते हैं उसका गला। तो ये जो व्यक्ति था, ये गांव से लेकर शहर तक घोड़ी चलाता भी था, मतलब इसका कुछ प्रोफेशन था मिंटू से, उसको सभी लोग हायर भी करते होंगे। तो उसकी घोड़ी चलाने से किसी को चिढ़ नहीं थी। रिपोर्ट सुनिए कि ये बंदा जो था अपने आप में बहुत बड़ा हीरो बंदा था। ये जो व्यक्ति था ये लड़कियों को छेड़ता था, परेशान करता था, फोन भी करता था, अश्लील बातें करता था, कमेंट्स भी बहुत बुरे करता था, और इससे बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी लड़कियां परेशान थी, बहुत सारे परिवार भी परेशान थे। किसी को घोड़ी रखने के लिए हिंदुस्तान में आज सन 2018 में मार दिया जाए, ऐसा हमने कहीं से लेकर कहीं तक नहीं सुना है। इस व्यक्ति को, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियों को परेशान करता था, बहुत तगड़ा अपने आप में बदमाश समझता था कि मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भी गुजरात के एक स्थानीय भाषाई, गुजराती भाषाई एक चैनल की छोटी सी क्लिप बन के रह गया, और इसको जिस प्रकार से आपके बिके हुए पसंदीदा चैनलों ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था कि दलितों को मारा जा रहा है सिर्फ घोड़ी रखने की वजह से, उन चैनल्स ने एक जो ब्रेकिंग न्यूज आती ना नीचे चलती है थोड़ी थोड़ी सी, वहाँ भी कोई खबर नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ कि आज अभी इसी वक्त जितने भी ऐसे गंदे चैनल्स हैं जो रूमर्स फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं हिंदुओं के प्रति, और उनमें आपस में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज ही अनसब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सीधी सीधी खबर सुननी है तो बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल हैं, आप उनसे जुड़िए। YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको प्रत्येक खबर पूरी रिसर्च के साथ प्रस्तुत करते हैं, वो आज भी देते हैं, कल भी देते रहे हैं, और आपका साथ इसी प्रकार से बना रहा तो आगे भी देते रहेंगे। सच की आवाज को हमेशा बुलंद कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। बीते दिनों एक खबर आई थी कि गुजरात के गांधीनगर में एक दलित युवक को मूंछ रखने के कारण ब्लेड से मारा गया, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये मामला झूठा था। जी हां, पुलिस जांच टीम के मुताबिक लिम्बोदरा गांव में 17 साल के दलित लड़के का दावा गलत है। पुलिस के सामने उसने स्वीकार किया कि हमला उसने खुद अपने दोस्त से करवाया था। लड़के दिंगत माहेरिया ने पूछताछ के दौरान इस बात को माना कि सुर्खियों में आने के लिए उसने झूठी कहानी गढ़ी थी।